मैं तो साथ चल रहा हूँ, पागल है क्या? रोज नहीं कराते भी तो धैर्य कहाँ पर है? 13x11 चारों साइड से ओपन है, वाइड एंगल में भी आपको एक जबरदस्त टूर दे देता हूँ। अकेले मैं लेके हम दो मिनट पर के अलावा हमने पिए रोज वाली चाय। छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बजे हैं सुबह के 12:30 यानी कि दोपहर के 12:30। तो मैं जिम जाके आ चुका हूँ, खाना आ गया है, खाना खा के निकलते हैं सैलून की तरफ। तो यहाँ पे लोंडा तैयार हो गया और इसको आज कर रहा है अनुज तैयार, क्योंकि नितिन है नहीं। हाँ भाई लड़के जी, तो कुछ कहना चाहते हो? तो गाइस बहुत मजा आना मुझे रेडी होके चाचू से, और इतना मजा कि जिंदगी में मुझे मजा ही नहीं आया। देख लो नितिन क्या। तो यहाँ पर मेरी मजेदार सी मील आ गई है। तो गाइस मुझे खाना बताओ, मुझे पापा का हाथ से क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? क्योंकि पापा मुझे कुछ भी खिला देते हैं। और तुझे खाना पड़ता है ना? हाँ जी। तो खाना खाते हो, बात नहीं करते? खाना खाओ, दूध ना पुतो पलो अभी से जाओ बेटा, मैं तो साथ चल रहा हूँ, मेरे क्यों कर रहे हैं? तो गाइस आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ आपके लिए, मतलब आप उसको सील कर सकते हैं। तो बस पहले सैलून निकलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा काम हम संभालते हैं, उसके बाद निकलते हैं प्रॉपर्टी के लिए। वो आपके लिए है, बहुत ही भरोसेमंद, देखना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। कहाँ जा रहे हो भैया, किसी डेड वेट है क्या? नहीं बाबा, कोई डेड वेट तो नहीं है ना? नहीं भैया, पूरी नजर रहेगी मेरी तेरे ऊपर। टीके लगा कम से कम चार। अच्छा, चार नजर के टीके। तो गाइस बहुत ही बुरी खबर है, हमारे भाई ब्लॉगर हैं जट प्रभजोत, सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हैं, नामी ब्लॉगर हैं। शायद उनका एक्सीडेंट हो गया, मैंने वीडियोस देखी हैं। तो अभी शायद वो नेपाल में है। तो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप दुआएं करें कि जल्दी से भाई ठीक हो जाए, अपने घर जाए, उनके घर वाले भी उनकी वेट कर रहे होंगे, और जैसे वो दिल्ली पहुँचते तो हम भी ज़रूर जाएंगे उनके पास। तो मैं पहुँच गया हूँ सैलून के सामने, मैं चीकू को उतार रहा हूँ। चीकू आप पहुँचो, मैं 10 मिनट में आया बैठूँ, ठीक है? ठीक है पापा। जाओ आ रहा हूँ, जा इसको रोड पार करवा दो। अच्छा करवा दो। तो हम पहुंच गए डॉक्टर मोहित के पास स्किन का लेज़र कराने के लिए। तो गाइस लेज़र हो गया कंप्लीट, तो पहुंचने वाले हैं सैलून, देखते हैं चीकू क्या कर रहा होगा वहां पे। तो मैं पहुंच गया हूं सैलून, और यहां पर हमारे रीत बहन बैठी, और मैंने बोला भैया तुझे मुबारक है, बोली आज नहीं है कल है। ऐसा क्यों बोला आपने भैया? एक्चुअली इस बार दो दो फेस्टिवल आ रहे हैं ना, तो आज विश्वकर्मा डे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल करेंगे भैया दूज। अच्छा। तो फिर भी एडवांस में हैप्पी भैया दूज आपको बोल देती हूं, बट मनाएंगे हम कल। तो मजेदार सी चाय आ गई है, और लोंडे ने भैया हेयर स्टाइल करवा लिया, क्या हुआ था चीकू? हाँ जी, मैंने कर पेडीक्योर। पागल है क्या? रोज नहीं कराते, महीने में एक बार ही होता है। तो गाइस अभी आए हैं धैर्य भैया, और एक जबरदस्त फ्लैट देखने जा रहे हैं आपके लिए। मैंने आपको बताया था लिफ्ट में भी, तो धैर्य कहाँ पर है, क्या है थोड़ा बता, फिर जाके वीडियो दिखाएंगे। ये भैया है एयरपोर्ट रोड पे, मजेदार फ्लैट है, मजेदार। चलें फिर, चलो। हमारी रीत बहन भी कुछ कहना चाहती है। तो एक बार जो आप फ्लैट देखने जा रहे हो भैया, मैं तो यही कहूंगी आप देख के आओ, आप मुझे बताना कैसा लगा वो, फिर मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ एक दो जगह इन्वेस्टमेंट करें, आपका हाथ अगर मेरे सिर पे रहे तो। तो गाइस क्या होता है ना, कई बार ना हम प्रॉपर्टी में पैसा तो लगाना चाहते हैं, पर क्या होता है ना, हमें ट्रस्ट नहीं होता कि हम किसको पैसा दे किसको ना दे, बीच में डीलर ना भाग जाए, कभी लैंडलॉर्ड ना भाग जाए। तो आप बेफिक्र रहिएगा, जो भी आपको प्रॉपर्टीज दिखाएंगे उसमें जो भी है हमारा फेथ रहेगा बिल्कुल ही, 100% मैं और धैर्य बैठे हैं। तो आप देखना प्रॉपर्टी, अगर आपको मजा आए तो धैर्य का नंबर हम कॉन्टैक्ट में डालेंगे, आप जाके प्रॉपर्टी पर विजिट करना और मजा आ जाएगा, और पूरी वीडियो में जाके दिखाता हूँ। तो भैया हमारा हेयर स्टाइल हो गया डन, बस गोलू पाल के वेट कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेके निकलूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने गोलू पाल को कॉल की कि तुम कहाँ, ये बोले हम घर, इन्होंने वीडियो कॉल की, और यही कपड़े इन्होंने घर पहने हुए थे, और इन्हीं कपड़ों में यहाँ पे आ गए। बात ये हुई थी सुबह सुबह इनको कपड़े दे थी मैं, तो इनको शॉर्ट्स दिख गई थी, तो इन्होंने बोला ये कब पहनोगे, सर्दियाँ खत्म होगी, तो मैंने पायल को बताई ये बात, जैसे कि सारी बात बताती हूँ। फिर पायल का आइडिया था गोलू यही पहन के चलती है, फिर क्रॉक से पहनते खुश हो जाएंगे देख के। अच्छा सही है। तो हम पहुंच गए लोकेशन पे, और बहुत ही कमाल की लोकेशन है, आपको मैं सोसाइटी का नाम भी बताने वाला हूँ, एरिया भी बताने वाला हूँ, और कौन सा हाईवे आता है वो भी बताने वाला हूँ, और उससे पहले मैं आपको फ्लोर दिखाता हूँ, और आपको मजा आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए फ्लैट के अंदर, और अंदर घुसते ही क्या दिखेगा, सबसे पहले आपको एक मज़ेदार सी LCD आप यहाँ लगा सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पे आप आराम से बैठ भी सकते हैं, और इसका जो साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ, 13x11 साइज है यहाँ का। और उसके बाद आप अंदर आ जाइए, यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार आप मंदिर भी रख सकते हैं, जिसकी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाइनिंग मिल जाएगा, और कमाल का व्यू है, और उसके बाजू में आपको गैलरी भी दिखेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ उधर जाके।
डाइनिंग के साथ ही एक बहुत ही कमाल की बालकनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर का व्यू। बाहर का व्यू भी बहुत ही सुंदर है और ये सैंपल फ्लैट है और इसका जो एरिया है वो 1640 स्क्वायर फीट है। तो अब हम पहुंच गए हैं बेडरूम में और बेडरूम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसका जो साइज है वो 13x12 का बेडरूम है और बहुत ही सुंदर आपको दिख ही रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी एक बहुत ही कमाल की बालकनी है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि चारों साइड ये ओपन है, आप कोई भी कमरे में से बालकनी से बाहर जा सकते हो। तो जैसे ही आप रूम से बाहर निकलते हो आपको एक बहुत ही सुंदर कॉमन वॉशरूम मिलेगा। ये है 7x6 का कॉमन वॉशरूम और बहुत ही कमाल का बना रखा है, बिल्कुल ही सामने है। और फिर हम आ जाते हैं इधर किचन में, तो ये आपको एक किचन मिल जाती है बहुत ही खूबसूरत सी। इसका जो साइज है वो 11x7 का है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिजाइन का रखा है इसको भी। और इसके भी बाहर में एक बालकनी है और ऑर्जेस सब कुछ इसके अंदर ही है। तो यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं और ये भी बहुत ही सुंदर बालकनी बना रखी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वॉशिंग का भी आ सकता है, आप कपड़े वपड़े भी धो सकते हो, यहाँ भी टूटी लगी हुई है। तो किचन से जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपके लेफ्ट साइड में एक बहुत ही कमाल का ये वाला रूम आ जाता है। जो वो वाला आपने रूम देखा था वो छोटा था, उससे थोड़ा सा बड़ा है ये रूम और साथ में इसमें वॉशरूम भी अटैच है, आप देख सकते हो उधर। और इधर भी एक बालकनी है। तो बालकनी आपको हर रूम में मिलने वाली, जैसे मैंने आपको बताया था कि चारों साइड से ही ओपन है। तो ये भी यहाँ से खुलती है। तो रूम का साइज है 11x13 और जो बाथरूम अटैच बाथरूम है ये 7x6 का बाथरूम है और इनफ होता है रूम के साथ, आपको बाथरूम मिल रहा कमाल का है, और क्या चाहिए। तो यहाँ पे मिलता है आपको एक मास्टर बेडरूम और इसका जो साइज है वो 11x14 का है और वुडन फ्लोरिंग के साथ मिलता है आपको ये ऊपर। और इसके साथ भी एक अटैच बाथरूम है, ये है 5x8 का। तो यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर बना रखा है, आप देख सकते हो। तो गाइज इसके साथ भी एक बालकनी मिलती है आपको बहुत ही कमाल की, जैसे मैंने आपको बताया चारों साइड से ही ओपन है, आप कहीं से भी निकल के धूप सर्दी गर्मी एहसास कर सकते हो। तो गाइज ये वो प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हो, और प्रोजेक्ट का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सुषमा जोनेस। और ये एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है। तो आपको किसी को भी ये लेना हो तो बायो में कॉन्टैक्ट नंबर है धैर्य का, और ये मिलने वाला है आपको 98,50,000 रुपीज़ में, बहुत ही सस्ता सा फ्लैट है। बाकी डील करेंगे हमारे भाई, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर लेना। और जब भी आप विज़िट करें तो आपको धैर्य मिलने वाले हैं, और जब आप इसको ले लेंगे टोकन मनी दे देंगे तो हम आपसे मिलेंगे। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लोकेशन, ये फ्लैट आपको कैसा लगा। जीरकपुर में है आपको एयरपोर्ट रोड के ऊपर, और पीछे का व्यू आपने देख ही लिया है सारा, बहुत ही कमाल का है और हम चाहते हैं आप एक बार ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे। तो गाइस एक वाइड एंगल में भी आपको एक ज़बरदस्त सा टूर दे देता हूँ, आपको आपने देख ही लिया होगा यहाँ का एरिया, साइज़ ये है, ठीक है। तो यहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं, उसके बाद आप पहुँचते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड में, आप मंदिर बना सकते हैं। यहाँ पर डाइनिंग है, बाजू में बिल्कुल आप गैलरी देख सकते हैं, यहाँ से ओपन हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने लेफ्ट साइड में, एक रूम है बहुत ही कमाल का रूम है, ये रूम आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, साथ में अलमारी अलमारी है, वहाँ पे भी एक बालकनी यहाँ पे भी आ जाती है। और फिर हम पहुँचते हैं बिल्कुल ही सामने, सामने आपको यहाँ पर अपना वॉशरूम वगैरह सब मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको किचन मिल जाती है, वो भी ओपन हो जाता है, वहाँ से आपने देख ही लिया होगा, ये भी यहाँ से अपना ओपन हो गया, वॉशिंग एरिया है ये सारा, आप आराम से सब कुछ कर सकते हैं। फिर हम पहुँचते हैं भैया अपने सबसे बड़े बेडरूम में, तो ये बहुत ही बड़ा बेडरूम है। उसके बाद इसमें भी साथ में अटैच बाथरूम लेटरिन सब कुछ है, आप देख सकती हो। और इसके साथ में भी आपको एक मज़ेदार सी गैलरी मिलती है। और फिर हम पहुँचते हैं अपने अगले एरिया की तरफ, और ये भी सुंदर सा एक रूम आपको दिखाई देता है और साथ में अटैच बाथरूम है। तो इसका जितना भी पूरा एरिया मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ भी बालकनी है 1640 स्क्वायर फिट, बहुत ही कमाल का बना हुआ है। तो आपको मैंने बता दिया जिसको लेना है, बायो में कॉन्टैक्ट नंबर है धैर्य का, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूं घर और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कुछ खा लेता हूं, उसके बाद एक दो घंटे सोऊंगा, शाम को फिर दोबारा जिम जाना है।
तो यहाँ पर आ गया मजेदार से दाल चावल। तो गाइस अभी हम इनके लिए सरप्राइज लेकर आए हैं, क्योंकि ना मॉर्निंग में ना मील जो मंगवाई थी इनको अच्छी नहीं लगी थी, तो मेरा दिल थोड़ा सा टूट सा गया था देख के। तो चीकू और मैं और पायल हम सब मिलके लेकर आए इनके लिए। नहीं मम्मा है ना, बस अकेले मैं लेकर आऊँ दो मील। गाइस मील दे दो, ये चिकन है और ये चिकन ब्रेस्ट है, पर मुझे ये वाली मील अच्छी लग रही है ज्यादा। तो आज ना मैंने गोलू और पाल को सुबह सुबह बहुत डांटा कि बोले टाइम से खड़े हो जाया करो, खा पी लिया करो, कपड़े वपड़े चेंज कर लिया करो। आज ना इन्होंने ये शॉर्ट्स पहनी हुई है ना, ये मेरे कहने से पहनी है। हाँ। ये तो है ही, मैं आपको पता है मैं पाल की वो चमची। हाँ, कोई अच्छा वर्ड बोलो ना, गुलाम चमची नी, बहादुर प्यारी, बहादुर प्यारी, चेली। ठीक है जो भी समझ लो। फिर आपने ना डांटा, इन्होंने मेरे को डांटा उस टाइम पे कि ये ना मैं इनको कपड़े दे रही, कह रही गोलू शॉर्ट्स कब पहनोगे, सर्दियों के बाद बात तो इनकी ठीक थी, सर्दी आ रही है, चीजें हम संभाल संभाल के रख लेते पहनते नहीं है। तो मैंने पायल को बताया, मैंने ऐसे ऐसे बोल रहे थे, कह रही गोलू एक काम कर, तू मैं दोनों शॉर्ट्स निकालते हैं, इनकी टी शर्ट पहनते हैं, उन्हें पहन ली, आप भी खुश हम भी खुश। चीकू मैं ये चाहती हूँ सुनो, मेरा एक सपना था कि या तो मैं सिंगर बन जाऊँ या मैं लॉयर बन जाऊँ, ठीक है बचपन से। आप अपना सपना बताओ, मेरा सपना पूरा करोगे, सिंगर बनोगे? सिंगर और गनी, ये दोनों चीजें करूंगा मैं। ये वो चैंपियन बनना चाहता है। तो चंडीगढ़ में अभी मैं देखता हूँ, चंडीगढ़ में वहाँ, चंडीगढ़ में तो है, यहाँ नहीं है सिर्फ। नहीं बहुत ज्यादा गर्व की बात है, ओलंपिक्स में जाना, नेशनल खेलना, इंडिया के लिए खेलना, शूटिंग लाइन तो खेलना। देखो अच्छा, इसकी मैम नहीं चीकू की स्कूल की मैम, उनकी बेटी ने वो जीता, वेट लिफ्टिंग के, वेट लिफ्टिंग में अवार्ड जीता है, अपन सब न्यूज़पेपर में आया था। कितनी एज होगी, कितनी साल की होगी, 14-15 साल की। तो बस फिर इसको 10 साल में शुरू करो, वेट लिफ्टिंग का कर रही है वो चीकू, उसको अवार्ड मिला है, उसका इंटरेस्ट होगा। चीकू आपको शूटिंग में इंटरेस्ट है ना, ये सीख भी लेगा, जिस चीज़ का इंटरेस्ट हो ना बच्चों को वही सिखाओ। तो आप पता करो, क्योंकि यहाँ पे जीरकपुर साइड तो कोई है नहीं शूटिंग लाइन, हमने पहले भी पता की थी गाइस, चंडीगढ़ साइड पर है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चों को ना आना जाने की दिक्कत रहती है। भाई ये पार्टी देख लो, 1 2 3 ओहो ओहो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सूखा दूध पाए फेवरेट है तेरा। तो गाइस अभी गोलगप्पे शोलगप्पे खिला के लाया हूँ गोलू और पायल को, रात के बज गए 12। चीकू कहाँ है, उसको ढूंढ लेते। चीको चीको क्या कर रहा था? पापा ऐसे ही मैं लेटा था कुछ चेंज कर रहा था मुझे लग रहा ना। नहीं बाबा, नितिन चाचू आ रहे हैं। हाँ जी, कितने बजे पहुंच जाएंगे सुबह? 7 बजे पापा। इस फोटो में देखो गाइस चीकू कितना छोटा लग रहा है, और इन दिनों को सिर्फ 8-10 महीने हुए ना भाई? नहीं 8-10 महीने नहीं हुए, इस टोटल हुए होंगे 5-6 महीने, क्योंकि शादी की बात की है, पायल ने चूड़ा पहना हुआ है। हाँ। तो मई 5 महीने जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद की है। कितना हिसाब है ना मेरे दिमाग में। तो गाइस यहाँ पे बैठे हैं हमारे इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर आयुब खान। तो आयुब खान की जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी हम कहाँ घूम के आए? अभी हम गोलगप्पे खा के आए, चाय पी के आए, और बहुत सारा पूरा चंडीगढ़ घूम के आए, जहाँ पहली बार भाभी गई हमारी सतारा सेक्टर। गोलगप्पे खा के कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया लगा, गोलगप्पे का पानी हम घर पर भी लेकर आए हैं, अभी पियेंगे पानी, मजा आ गया। देखो एक चीज पता चल गई, कभी भी रात को मन करता है 11-11:30 गोलगप्पे खाने का, तो जगह है वहाँ चले जाओ और गोलगप्पे खा लो ना चीकू। हाँ जी बाबा, वहाँ पे ना वो भी है पाइनएप्पल बनाना, इनमें से ना कुछ भी नहीं था वहाँ पे, खट्टा मीठा पानी था, लेमन पानी था, गुआवा पानी था, हींग का पानी था, और इसके अलावा हमने पिए रोज वाली चाय। अगर गाइस यहाँ पर ज्यादा ठंड हुई ना, तो मैं गोलू और पायल को लेके जाऊंगा हैदराबाद, और हैदराबाद का जो फूड है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, और जूस भी है, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ मैं यही बोलने लगी थी, मेरे को हैदराबाद से सिर्फ और सिर्फ एक चीज पसंद है, वहाँ का जो ऑर्गेनिक फ्रूट जूस है ना वो इतना यम्मी होता है, इतना यम्मी होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे वाटरमेलन जूस अगर आपने पिए ना, तो आप प्योर वाटरमेलन पी रहे हो, कोई भी जूस ले लो, नो वर्ड्स। पापा पापा मेरी एक फ्रेंड भी है, सुबुक है इसकी फ्रेंड का नाम, और चीकू की बेस्ट फ्रेंड है वो भी सुबुक मलिक है, हमारे भैया शबीर भैया उनकी भतीजी है। तो गाइस यहां पे आ गया मजेदार सा खाना, और एक रोटी में खा लेता हूं। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार बाय बाय, और जिसको फ्लोर आया है पसंद तो बाय में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लेना धैर्य को, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जिसको काम हो वही कॉल करे, आप ऐसे कॉल मत करना कि अरमान जी से बात करा दो, पायल से, गोली से, चीकू से, हम्बल रिक्वेस्ट है। और सैलून में भी वही लोग कॉल करें जिनको ज़रूरत है, क्योंकि हम वहाँ नहीं होते तो काफ़ी लोगों को परेशानी आती है बार बार कॉल उठाने में।